अरे मैंने तो मजदूरी करके 100 देता, किसी ने 200 देता, वासी में करके वक्त पास कर दे। मैं शुक्र है मालिक का, चलो थोड़ा बहुत अंजाम चलाई पे। मैंने तो मजदूरी करके कोई दुपट्टे 20 रुपये दुपट्टे दे दें, वो उसके सारा दिन सितारे लाई रखी दिया, वो 20 रुपये दिहाड़ी दे कमाई दिया। बस की बंद इवें वक्त पास बस हंधा पे, वा की करना, बस गुजारा तो करना। वो जी रब ने पाई है वो कर भोगनी है। हाँ जी बस इवें बस वक्त पास इवें करें पे। इतनी महंगाई जी हर कोई अपने घर से पूरा, किसी गरीब ने किसी ने की देना वा, कोई देन जोगा हो कोई देवे, जो कोई नहीं देना फिर की करना किसी दे, कोई जोर तो कोई नहीं है किसी के। अपना शुक्र कर दे अपने घर जिदा दी चंगी माड़ी लगती खा के गुजारा कर दे। बस ये नलका ला दें दे, राशन रूशन दें दे, बस दहेज दे दें दे, बस लख शुक्र है यही उन्होंने। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िन नाज़रीन इकराम, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि देख सकते हैं पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब गुरबा लोग खाने के लिए भी तरस रहे हैं। देख सकते हैं आज हम एक अपनी अम्मा जी के पास पहुँचे हैं, जिनके खावंद को 7 बरस हो गए हैं, वो इस दार फ़ानी को छोड़ कर चले गए। उनके माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और एक हमारे सर देख सकते हैं माशाल्लाह से नौजवान है, और इनका कमाने वाला कोई नहीं, बेरोज़गार हैं। अम्मा जी काम करती हैं दूसरों के घरों में, और कुछ सितारे वगैरह बता रही थी कि कपड़े पर लगाते हो तो 200 देते हैं, तो आप खुद बताएं कि 200 में क्या मिलता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ना ही घी मिलता है ना ही आटा ले सकते हैं ये गरीब लोग। बहुत ही परेशान है अम्मा जी, क्योंकि इनका कमाने वाला अगर कोई होता तो इन्हें इतनी मुश्किल दरपेश ना होती। बके के हालात अम्मा जान से पूछते हैं कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अम्मा जान अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जान क्या नाम है आपका? अम्मा जान आप ये बताएं कि आपके हस्बैंड को कितना अर्सा हो गया वफात पा गए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, तो अब आप मतलब बच्चों को कैसे पाल रही हैं इनको? वैसे भी मैंने तो मजदूरी करके किसी 200 देता किसी 100 देता, बस गुजारा कर दे। 200-300 से गुजारा हो जाता है, वह की करें फिर वक्त तो पास करना होता ना। जी बिल्कुल, तो आप ये बताएं कि आपके घर में राशन मौजूद है? राशन बस कभी होता कभी नहीं होता। माशाल्लाह से आपके बच्चे कितने हैं? 3 हैं। तो कमाने वाला कोई नहीं है, बड़ा बड़ा बेटा यही है? हाँ जी। मुझे ना आप ये बताएं कि हमारे ससुर नौजवान हैं, घर में जायज मौजूद है? नहीं कोई नहीं है, अगर पैसा कोल कोई होवे तो बनावे, जब पैसा कोल कोई नहीं कहा जहेज बनावे, बंदा जहेज बनाओ तो तंग बैठे हैं। फिलहाल कोल पैसा है कोई नहीं है, कहा बनावे पैसे हो तो बनावे, तो रखे कोई चीज़ जमा करे, पैसे है कोई नहीं कि चीज़ ना बंदा घर जहेज जमा करे, नहीं कुछ भी है ना फिर बना देना हो बस नहीं पास कर दे। तो आप मतलब घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं, क्या काम करते हैं आप? बस ये मेहनत मजदूरी करके 100 देता किसी ने 200 देता, बस इवें करके वक्त पास कर दे। मैं शुक्र है मालिक का, चलो थोड़ा बहुत अंजाम चलाई पे। मेहनत मजदूरी करके कोई दुपट्टे 20 रुपये दुपट्टे दे दें, वो उसके सारा दिन सितारे लाई रखी दिया, वो 20 रुपये दिहाड़ी दे कमाई दिया। बस की बंद इवें वक्त पास बस हंधा पे, वा की करना, बस गुजारा तो करना। वो जी रब ने पाई है वो कर भोगनी है। हाँ जी बस इवें बस वक्त पास इवें करें पे। अम्मा जी इलाके वाले इमदाद नहीं करते आपकी? इलाके वाले इलाके इतनी महंगाई जी हर कोई अपने घर से पूरा, किसी गरीब ने किसी ने की देना वा, कोई देन जोगा हो कोई देवे, जब कोई नहीं देना फिर की करना किसी दे, कोई जोर तो कोई नहीं है किसी के। अपना शुक्र कर दे अपने घर जिदा दी चंगी माड़ी लगती खा के गुजारा कर दे। अम्मा जान आप ये बताएं कि अब आपको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है? नलके की ज़रूरत है, नलका है नहीं गा, और जहेज की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। राशन घर में मौजूद नहीं है? नहीं कोई नहीं मौजूद है। तो अब आटा मौजूद है या राशन वगैरह कुछ भी मौजूद है? नहीं कुछ कोई नहीं, बस वो थोड़ा बहुत है जरा, बस थोड़ा बहुत है बस वो ही है, बाकी और कोई कोई नहीं है। तो आपकी बहनें देख रही हैं, आपकी बेटियाँ देख रही हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, वो आपकी क्या मदद कर सकती हैं? बस ये नलका ला दें दे, राशन रूशन दें दे, बस दहेज दे दें, बस लख शुक्र है यही उनका। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये अम्मा जी की हालात है, कमाने वाला कोई नहीं है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। सिस्टर जी बैठी हुई हैं, क्योंकि ये बच्चे आप देख सकते हैं 3, 2 बेटियाँ हैं 1 बेटा, इनका और कमाने वाला कोई नहीं, बड़ा बड़ा बेटा देख सकते हैं आप यही है।
तो ये कैसे कमा सकता है? पढ़ने की उम्र है। अम्मा जान, ये स्कूल जाते हैं? हाँ जी स्कूल जाते हैं। रोज जाते हैं? हाँ जी। मस्जिद भी जाते हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। बाजी क्या नाम है आपका? जायदा। बाजी आप ये बताएं कि आपकी अम्मी दूसरों के घर में काम करती है, तो आप क्या काम करती हैं? मैं घर का काम करती हूँ। स्कूल जाती हूँ। स्कूल भी जाते हैं? yes. माशाल्लाह। तो कौन सी जमात में पढ़ रहे हैं? 10 क्लास में। माशाल्लाह। तो देख सकते हैं ये हमारी बहन स्कूल जाती है, 10th क्लास में पढ़ रही है, लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मदद करें। अगर आप साहिब इस्तात हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि ये हकदार फैमिली है। और हमारा जगह जगह के ऊपर जाकर वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि इन जैसी फैमिलीज़ का हक इनको मिल सके। दुआ है कि अल्लाह सुबहाना व तआला इनकी मदद फरमाए। आओ मिलकर गरीबों की मदद करें। अल्लाह पाक हम सब को ऐसे नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।